जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल इलेक्ट्रिकल सिंबल्स नेम विद एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्या काम है इन सिंबल्स का। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या सर्किट डायग्राम को क्लेरिफाई करने के लिए, बनाने के लिए या समझने के लिए हमको सिंबल्स की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपसे बोलूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक सर्किट डायग्राम आपको शो हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सिंबल है ये किसको डिनोट कर रहा है, या फिर मैं बोलूं कि ये सारे ही सिंबल जो इस सर्किट डायग्राम में हैं किसको डिनोट कर रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो किसी भी सर्किट डायग्राम को समझने या फिर उसको ड्रॉ करने के लिए, जैसे हमें कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे बिना सिंबल्स के, तो हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे जब तक हमें सिंबल्स के बारे में पता नहीं होगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने सिंबल्स स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग करंट। इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला ये और दूसरा ये वाला। तो सर्किट डायग्राम में अगर हम बात करें तो सर्किट डायग्राम में हम फर्स्ट वाले सिंबल का यूज़ करते हैं, सेकंड वाले का यूज़ हम नहीं करते। आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो कि एसी सप्लाई के सिंबल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सेकंड है डीसी सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारे के सारे ही सिंबल डीसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें ये पहला सिंबल सेल का सिंबल होता है यानी सेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड की बात करें, जो सेकंड सिंबल होता है ये बैटरी का सिंबल होता है, यानी कि बैटरी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो हमारा सिंबल है वो वेरिएबल डीसी वोल्टेज का सिंबल होता है, यानी कि होता है ये भी डीसी का ही सिंबल है, यानी डीसी को ही रिप्रेजेंट करता है ये भी सिंबल। लेकिन इस सिंबल में क्या होता है, आपको ये बीच में तीर का निशान देखने को मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। बात करें हम फर्स्ट सिंबल और सेकंड सिंबल में, तो हम इन दोनों के वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते, पर थर्ड सिंबल में अगर हम बात करें, कहीं पे भी किसी भी सर्किट डायग्राम में आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिल जाए, तो वहाँ आप समझ जाना कि उस सर्किट में हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सिंबल आपको किसी भी सर्किट डायग्राम में मिल जाए तो वहाँ समझ जाना कि हम यहाँ पे वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ सिंबल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है, बीच में प्लस माइनस के साइन होते हैं, और मैंने ऊपर 12 वोल्ट लिख दिया है बताने के लिए, बस समझाने के लिए। यहाँ पे 24 वोल्ट, 36 वोल्ट कितने की भी बैटरी हो सकती है। सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो सर्किट डायग्राम में हम ये सारे सिंबल का ही यूज़ करते हैं। डीसी सप्लाई के सिंबल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में, आप देख सकते हो। थर्ड है हमारा ग्राउंड। तो ग्राउंड का सिंबल कुछ इस तरीके से होते हैं, ये तीनों ही सिंबल ग्राउंड को डिनोट करते हैं। पहला होता है हमारा, जो पहला सिंबल है वो अर्थ ग्राउंड को डिनोट करता है, दूसरा सिंबल शासी ग्राउंड को, और तीसरा सिंबल जो है वो सिग्नल ग्राउंड को डिनोट करता है। अर्थ ग्राउंड की बात करें तो अर्थ ग्राउंड क्या होता है, तो ये डायरेक्टली फिजिकल कनेक्शन होता है अर्थ के साथ। बात करें सेकेंड शासी ग्राउंड की, यह जो ग्राउंड होता है जो मशीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बीच में एक लिंक होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को इंश्योर करता है, वहाँ पे हम शासी ग्राउंड का यूज़ करते हैं। थर्ड होता है हमारा सिग्नल ग्राउंड। सिग्नल ग्राउंड को हम एनालॉग या फिर डिजिटल ग्राउंड भी बोलते हैं। आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हो कि ग्राउंड के सिंबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये अर्थ ग्राउंड का सिंबल है। फोर्थ है ट्रांजिस्टर। तो फिजिकली ट्रांजिस्टर कुछ ऐसे दिखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दोनों ही इमेज ट्रांजिस्टर की हैं। सिंबल की बात करें तो आपको ये दो सिंबल शो हो रहे होंगे,
ये पहला सिंबल जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, और सेकंड वाला ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। इन दोनों में आप देखो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर सिंबल में जो पहले वाला सिंबल है उसमें एक एरो का निशान बाहर की तरफ दिख रहा होगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक एरो का निशान ये अंदर की तरफ है। तो आप इससे पहचान सकते हो कि किसी भी सर्किट डायग्राम में कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है या पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इस सर्किट डायग्राम में आपको एक ट्रांजिस्टर का सिंबल दिख रहा होगा। आप बताइए कि इस सर्किट डायग्राम में कौन से ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये तो पता है कि ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन कौन सा, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर? तो आप देख सकते हो इसमें ये जो एरो का निशान है ये बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आपको ये दिख रहा होगा ये तीनों ही इमेज रजिस्टर की होती हैं। सिंबल की बात करें तो आपको ये दो सिंबल दिख रहे होंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट वाला जो सिंबल है ये हमें बताता है कि जो रजिस्टर की वैल्यू है वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड वाला सिंबल है रजिस्टर का, वो हमें ये बताता है कि जो रजिस्टर की वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और इस टाइप के रजिस्टर को हम वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इसकी जो पहचान है आपको देख सकती है, एक तीर का साइन शो हो रहा होगा रजिस्टर के बीच में, तो यही इसकी पहचान होती है कि वेरिएबल रजिस्टर की। रजिस्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आप इस तरह के डायग्राम में देख सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले सिंबल पर। सिक्स है हमारा कैपेसिटर। तो आप इमेज में देख सकते हो ये तीनों ही इमेज कैपेसिटर की हैं, जिसमें से ये फर्स्ट इमेज जो है ये फिक्स्ड कैपेसिटर की इमेज है, और ये सेकंड और थर्ड इमेज इन्हें हम वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं। सिंबल देखें तो आपको ये दो सिंबल दिख रहे होंगे, फर्स्ट जो सिंबल है वो फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल होता है, और सेकंड ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होता है। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम फिक्स्ड कैपेसिटर हो या फिर वेरिएबल कैपेसिटर हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेवेंथ है हमारा इंडक्टर। तो इंडक्टर की इमेज आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा इंडक्टर दिखता है, और सिंबल देखें तो सिंबल इसका इस टाइप से होता है, कॉइल टाइप में इसका सिंबल होता है, और सर्किट डायग्राम में हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को, आप देख सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले सिंबल पर। एट था हमारा डायोड। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये फर्स्ट इमेज होती है ये डायोड की इमेज है, ये सेकंड जो इमेज है ये जीनर डायोड की है, और ये थर्ड होती है हमारी लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी। सिंबल आपको देख सकते हो, जो फर्स्ट सिंबल है ये डायोड का सिंबल है, सेकंड जो सिंबल है ये जीनर डायोड का सिंबल होता है, और थर्ड ये लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल है। डायोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।